हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे जो कि आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच खेला जाएगा 31 नंबर मैच। तो इस मैच में क्या होगा और इस मैच का जीएलटी क्या होगा और एसएल टीम क्या बनने वाला है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। और जो जो बंदा अभी भी आज डिफेंडर्स प्रेडिक्शन जो कि यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज डिफेंडर्स प्रेडिक्शन आपके सामने लेके आते हैं जीएल जीतने का मौका और फ्री गिवअवे डेली ले आता है आईपीएल के टाइम। तो आज भी कोई फ्री गिवअवे होगा तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तो कहां पर अपडेट मिलता है गाइस, वो भी मैं बता देता हूँ। तो अपडेट मिलता है आज डिफेंडर्स प्रेडिक्शन जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पर अपडेट आपको मिल जाता है कि आज आपको जो है कि फ्री गिवअवे मिलने वाला है और नहीं। तो यहीं पर आपको जो कि इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ गाइस, सबका जितना भी दोस्त लोग है, जितना भी सर्कल है, तो सबको आई डिफेंडर्स प्रेडिक्शन को जुड़ने को बोलिए और यहीं पर आपको अनलिमिटेड रन करने का मौका मिलता है। जैसे कि कल T10 टीम मैंने दिया था, ये टीम देख सकते हो कि इस टीम से आप लोग पूरा सेम पॉइंट है 5 जो कि 7-5। तो इस टीम में 5 रैंक हुआ और 3999 लगाया था जो कि 10,000 वन किया। और एक टीम भी मैं दिया था अलग ग्रुप में जो कि मेरा प्राइम ग्रुप है उसमें, तो जो उसमें भी गैस 1 रैंक आया। तो गैस इससे क्या होता है कि आप सब लोग अनलिमिटेड अर्न करते हो और आप सब लोग को जितवाने का ही मकसद रहता है। तो ये बंदा ने 8,000 इन्वेस्टमेंट किया था, इससे 20,000 प्रॉफिट करके दिखाया गैस। तो आइए अभी बात करते हैं जो है कि क्या होगा आज का मैच में। तो क्या होगा आज के मैच के बारे में डायरेक्ट चले जाते हैं हम लोग, गौर करते हैं। तो देखिए, केकेआर वर्सेस जो है कि बेंगलोर का मैच है, तो बराबर टक्कर का मैच रहेगा और बराबर मुकाबला रहेगा। तो मैच जो खेला जाएगा, तो ये मैच का वेन्यू जहाँ रहेगा दुबई में, अबू धाबी में रहेगा। तो अबू धाबी में क्या होता है कि गाइस 130-40-50 रन बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है अबू धाबी का। तो अबू धाबी में पिच भी स्पिनर का जो थोड़ा बहुत मदद कर देता है, इसके लिए स्पिनर बॉलर को आज मत छोड़ना गाइस। और कल जैसे कि देखा बॉलिंग गेम हुआ और ड्रीम इलेवन पर क्या हो कि सबसे कम वाला परसेंटेज प्लेयर जो था तो वही जाके परफॉर्मेंस किया, वही जाके रैंक किया। ड्रीम इलेवन का हाईएस्ट पॉइंट गेटर वही हुआ जो लास्ट मतलब सबसे ज़्यादा लो परसेंटेज था, ज़्यादा परसेंटेज जितना भी था सब लोग फ्लॉप गया। तो सभी प्लेयर ज़्यादा परसेंटेज वाला फ्लॉप हो गया। तो जितना भी जो भी ट्राई किया था लो परसेंटेज वाला को लेके, तो वो लोग आराम से 100% क्लीन स्वीप उसका आ गया। तो आज का टीम ऐसा ही मनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अलग सा, क्योंकि आईपीएल जीतना है तो ग्रैंडलीग तो अलग टीम बनाना ही पड़ता है गाइस। तो देखिए, अब सबसे पहले प्लेइंग इलेवन का बात कर लेते हैं। अगर दोनों टीम का मुकाबले की बात करें तो पिछला मुकाबला जो हुआ था उसमें मैक्सवेल ने मारा था 78 रन और एबी डिविलियर्स ने 76 रन मारा था। वरुण चक्रवर्ती ने कलकत्ता की तरफ से 2 विकेट लिया था और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट। और कलकत्ता राइडर्स का केकेआर का बात करें तो गाइस रसेल ने 31 रन मारा था, यूएन मर्गन ने 29 और कैल जेमिसन ने 3 विकेट लिया था, हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिया था जो कि बेंगलोर का बॉलर है। आइए बात करते हैं अभी जो कि प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है इस मैच में। तो प्लेइंग इलेवन इस मैच में होने वाला है केकेआर की तरफ से शुभम गिल रहेगा, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण नहीं तो साकिब उल हसन, दोनों में से एक प्ले कर सकते हैं गैस। ईवन मॉर्गन कैप्टन है दल का, टीम का, तो ईवन मॉर्गन कन्फर्म रहेगा गैस। और एंड्रो रसेल रहेगा, कन्फर्म है गैस। और दिनेश कार्तिक, लुकी फर्गुसन और शिवम अभी प्रसिद्ध किसना, वरुण चक्रवर्ती। तो ये हो गया गैस केकेआर का जो है कि पॉसिबल प्लेइंग इलेवन। आइए बात करते हैं कि बेंगलोर का प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है इस मैच में। देखिए, बेंगलोर का प्लेइंग इलेवन इस मैच में होने वाला है जो रहेगा, विराट कोहली रहेगा, देवदूत पाडिकल रहेगा, रजत पाटीदार रहेगा, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, जौहती, खतरनाक अटैकिंग बैट्समैन, इसका मत ही छोड़ना गया अपना टीम से। तो हसरंगा को लेके आया है श्रीलंका से जो कि सेकेंड हाफ है आईपीएल का 2021 का। तो इस हाफ में हसरंगा को लेके आने का मतलब इसका जरूर प्ले कराएगा। तो हसरंगा तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है और टीम डेविड को भी लेके आया है, तो दोनों में से प्ले कर सकते हैं गैस। शाहबाज अहमद, कायल जेमिसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और चहल। तो ये हो गया कि बेंगलोर का पॉसिबल इलेवन। तो आइए बात करते हैं कि कौन सा प्लेयर का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, की प्लेयर। पहले केकेआर का बात कर लेते हैं। केकेआर का जो पहला ऑडिशन था उसमें शुभम गिल पूरा फ्लॉप गया था, लेकिन इस ऑडिशन में दुबई में मेरे को लग रहा है शुभम गिल सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा। तो शुभम गिल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आज बनने वाला है, शुभम गिल को मत ही छोड़ना गाइस। नीतीश राणा को भी मत ही छोड़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर है। तो दोनों बैट्समैन को आपको लेना ही है, सुनील नारायण अगर प्ले करेगा तो लेना ही है, और एंड्रो रसेल। और ये चार हो गया, बॉलिंग में से आप लोग 2 प्लेयर ले सकते हो जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, लुकी फर्गुसन। तो ये 6 प्लेयर कलकत्ता की तरफ से 6 की प्लेयर्स रहेगा आज के मैच में। आइए बात करते हैं कि बेंगलोर का की प्लेयर क्या होने वाला है। तो गैस बेंगलोर का प्ले जो कि की प्लेयर होने वाला है इस मैच में वो रहेगा, विराट कोहली रहेगा, देवदूत पाडिकल रहेगा, मैक्सवेल रहेगा, डिविलियर्स रहेगा। तो ये चार प्लेयर को आप लोग छोड़ ही नहीं सकता, उसके बाद आपको हसरंगा को लेना है और कैल जेमिसन। तो ये 6 प्लेयर आपको की होने वाला है। और एक प्लेयर का नाम बनाओ जो कि चहल, जिसको गैस वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। तो चहल अभी
जो है कि गुस्सा निकालेगा आईपीएल में। तो चावल को भी आप लोग मत छोड़ना, तो ये 6-7 प्लेयर लेके आप लोग की बेंगलोर की तरफ से चल सकते हो लेके। तो 7 प्लेयर हो गया और 6 प्लेयर केकेआर का हो गया, तो ये 13 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर चुनना है। तो आइए बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम बना के देखते हैं क्या टीम बनता है गाइस। तो ड्रीम इलेवन टीम बना सभी गाइस जो कि 1 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जल्दी फुल हो जाता है और फिर आपको 1 करोड़ जीतने का मौका हाथ से चला जाता है। तो गाइस जो है कि जीएल टीम पहले बनाते हैं, पहले आपको टॉस पे फोकस देना पड़ेगा। तो टॉस पे बहुत इफेक्ट है जीएल का, मतलब 50% टॉस पे आ जाता है बात जीएल जीतने का। तो गाइस जो है कि अगर पहले बल्लेबाजी करता है बेंगलोर तो उस हिसाब से टीम बनाते हैं। तो डिविलियर्स को आपको लेना ही है फिर, और गाइस विराट कोहली रहेगा उसमें टीम में, देवदूत पाडिकल रहेगा और मैक्सवेल, तो ये 4 प्लेयर को लेना ही है। फिर बैटिंग तो पूरा कवर हो गया, जो है कि आरसीबी का बैटिंग पूरा कवर हो गया। तो ये 4 बैट्समैन फिलहाल हम लोग ले लिए, तो अभी आरसीबी का और कोई प्लेयर अभी तक फिलहाल लेना नहीं है। अभी कोलकाता का बॉलर लेना है, तो जो जो प्ले करेगा उसको ही लेना है। तो प्रसिद्ध कृष्णा इसमें रहेगा, लुकी फेगुसन रहेगा और गाइस सुनील नारायण रहेगा। तो ये प्लेयर हो गया केकेआर का, जो है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट 3 बॉलर फिलहाल हो गया, और एक बॉलर लेना है उसको वरुण चक्रवर्ती। तो हो गया अभी 2 ओपनर गाइस, नीतीश राणा और शुभम गिल को मत छोड़ो। तो जीएलटी के बन सकता है, और एक प्लेयर आप लोग देख सकते हो कोई भी आरसीबी का बैट्समैन, नहीं तो कोई भी बॉलर केकेआर का, जैसे कि इस मैच में हसरंगा प्ले कर सकते हैं, तो हसरंगा को आप लोग ले सकते हो, थोड़ा बहुत बैट भी कर लेता है और आरसीबी की तरफ से बॉल भी करेगा। अभी इसमें आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन नीतीश राणा को मना सकते हो, नहीं तो गाइस आप लोग शुभम गिल को मना सकते हो, और वाइस कैप्टन आप लोग वरुण चक्रवर्ती नहीं तो लुकी फेगुसन को भी मना सकते हो, आपका चॉइस है गाइस। तो गाइस ये जीएल ट्रिक हो गया आज के मैच का। अभी एसएल ट्रिक बता देते हो, एसएल टीम क्या बनाना है। ऐसा ही अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करता है तो एसएल टीम आपको बनाना है, तो आपको कैप्टन फिर बनाना पड़ेगा, जो है कि विराट कोहली को सबसे सेफ कैप्टन है इस मैच में। तो विराट कोहली को आपको एसएल में कैप्टन बनाना होगा, और गाइस वाइस कैप्टन आप लोग बना सकते हो शुभम गिल को। बॉलिंग में 1-2 चेंजेस करना पड़ेगा, वो भी मैं बोल देता हूँ। तो बॉलिंग में चेंजेस करना पड़ेगा आपको, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा को फील्ड नहीं ले सकते, चाहल को लेना होगा गाइस आपको, और गाइस हसरंगा रहेगा, तो बाकी टीम से ठीक रहेगा गाइस। तो जो है कि विराट कोहली का कैप्टन बनाना है और नीतीश राणा नहीं तो शुभम गिल को आपको वाइस कैप्टन बनाना है एसएल में। तो गाइस ये हो गया एसएल ट्रिक, इस टीम से आप लोग एसएल प्ले कर सकते हो, इससे अनलिमिटेड रन कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज के मैच के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे।